केवाईसी मैम, केवाईसी फाउंडेशन का फाउंडर। कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कुछ वीडियोस चल रहे हैं जो बेबुनियाद है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने, आप लोगों के दरमियान रखने की कोशिश करूंगा कि चिचा की जो वीडियो बना के जो डाला जा रहा है कि हम उनको गाली दे रहे हैं, हम उनको बेबुनियाद सवाल जवाब कर रहे हैं, तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। केवाईसी फाउंडेशन एक मुहिम पर है। केवाईसी फाउंडेशन का एक मिशन है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें जो गुरबा है, जो परेशान हाल है, जो तकलीफ में है, हम उनके लिए केवाईसी फाउंडेशन का आगाज करें। और मेरा फाउंडेशन खुलकर 6 महीने हो रहा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। और जो हमको बोल रहे हैं कि हम घर खरीदे, हम किराए के मकान को जाती कर लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आकर दरियाफ्त कर सकते, आप आकर मालूम कर सकते। ऐसा कुछ रहा तो हम यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते और ना हम मीडिया से ना मुखालिफत मीडिया के ऐसा बुलाकर मीडिया को हम ना बता सकते। हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखने के वास्ते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं आप सबको क्लियर बताता चलूँ, जो चीचा की जो वीडियो वायरल हो रही है, जो मीडिया पर चलाया जा रहा है कि इमरान खान केवाईसी फाउंडेशन की उनको फोन कर कर गाली दी, उन्होंने हमारे पास आए थे कि एक अपील के लेके कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं वेटर का काम करता हूँ, कि मेरे को एक कारोबार के लिए कुछ रोजगार लगा कर देंगे तो मैं कारोबार कर लूंगा। तो हम ये कोशिश करें सिर्फ 2 ही घंटे में, सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे में उनकी वीडियो बनाकर उनकी परमिशन से, उन्होंने हमारे पास आए थे, हम उनके पास नहीं गए। वो वीडियो में बोल रहे हैं कि आपकी बंडी आपको सलामत, हम ये सो चीज़ लेते नहीं। पहली बार हम अल्लाह की राह में काम करें। कुछ लोग हैं जो हमको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमको इसमें फंसाया जा रहा, तो हम वीडियो बनाने का मकसद यही है, हम उनकी इजाज़त लेकर, हम उनका आधार कार्ड लेकर, हम उनकी परमिशन लेकर उनकी वीडियो बनाएं और यहीं पर खड़कर वहाँ की वीडियो बनाएं और 2 घंटे में उनको बंडी दिलाकर भिजा दिए। और ये बात 2.5 महीने पहले की है। 2.5 महीने पहले मैंने बंडी दिया तो उनको अब क्यों फोन करूंगा मैं, अब क्यों उनको गलत अल्फाज यूज करूंगा मैं, अब क्यों उनको गलत बात करूंगा मैं। जो नंबर से फोन आया, जाहिर सी बात है पुलिस है, कोर्ट है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, मालूम करिए आप वो नंबर पर कंप्लेंट कराइए, आप कौन फोन करे कौन नहीं करे दुनिया के सामने आ जाता सर। आपसे एक सवाल ये है, आप 6 महीने हुआ आप अभी ओपन करके, तो आप कितने लोगों की मदद करें अभी? हिसाब नहीं है सर, अंदाजा फिर भी होंगे 600-500। चार पाँच पाँच दिन तो ऐसा आपके पास कोई ऐसा वाकया पेश आया जो अभी पेश आ रहा है? नहीं, आज तक तो नहीं आ सकता, कोई भी नहीं है? कोई नहीं। तो आप क्या इसको साजिश मानेंगे, क्या मानेंगे? बिल्कुल साजिश नहीं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। जो इसके अंदर 5-6 लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ लोगों, लेकिन बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हो रहा है ये काम कि हाँ वो KYC फाउंडेशन HYC के साथ आगे बढ़ जाता है, इन्हें रुका उसको खींचो उसको बोल के, वो चक्कर में है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा काम। तो अब आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप लोगों की वीडियो बना के वायरल करके बाहर से पैसा मंगा के कुछ पैसा दे रहे हैं, बाकी का पैसा आप अपने जाति मफाद के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये बात सही? बिल्कुल गलत है ये बात। बात है ये, मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख देता हूँ। हमारा NGO खुलकर 6 महीने हो रहा, 6 महीने हो रहा हमारा फाउंडेशन खुलकर जी। हम पहले जिसकी अभी तक भी रिसेंटली भी हम जिसकी वीडियो बनाते उन्हीं का स्कैनर और उन्हीं का कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते। प्लस दूसरी बात यह है कि अब हम नंबर डालने की वजह यह है कि कुछ फ्रॉड हो रहा उस पर, कोई लोग फोन कर कर इमरान के टीम से बात कर रहे हैं, हम KYC फाउंडेशन के मेंबर है, हम आपको 50,000 रुपये देते हैं, आप हमको 5,000 रुपये डालो, तो ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि भाई हम आपके साथ फ्रॉड हो रहा। तो हम वो चीज़ पे हम ये फैसला लिए कि हम नंबर नहीं डालेंगे, स्कैनर डालेंगे। हम जिसकी वीडियो बनाते उन्हीं का स्कैनर डालते। हाँ, 2-4 वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पेज पे, सिर्फ 2 से 4 वीडियो में, 5 वीडियो में हमारे फाउंडेशन का स्कैनर है, फाउंडेशन का स्कैनर है और मेरा भी स्कैनर है। वो इस वास्ते क्योंकि फाउंडेशन का स्कैनर अभी नया था, नयाने की सूरत में हम जिसकी बना रहे थे ना वीडियोस, उनके सामने हम आधार कार्ड पे लिख के परमिशन ले लेके कि हम आप स्कैनर आपके पास नहीं है, तब हम स्कैनर हमारा यूज करें उससे। दूसरा सवाल ये है कि आप पहले आपके कुछ वीडियोस वायरल हुए हुए हैं जो सोशल मीडिया पे, कुछ मजाही अंदाज में कुछ ऐसा है, तो आपको 6 महीने बल्कि 1 साल भर पुरानी वीडियोस है जो कुछ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, आपको किस तरीके से आपको ये दिमाग में आया कि आप ये फाउंडेशन डाल के किसी कौम की मदद करें? पहली बात तो ये कि साहब, मैं शहीन नगर जमजम के बिल्कुल सामने हमारे हलीम के शॉप से, अब से नहीं 6 साल से हमारा फाउंडेशन खुल के सिर्फ 6 महीने हो रहा। 6 साल पहले, 6 साल से हमारा पहले था कारोबार है,
एक ऐसा रमजान में एक वाकया आया था मेरे पास कि एक खातून थी जो चार बच्चों को गोद में लेकर आके मेरे पास मेरे हलीम की शॉप पर खड़े कर मुझे बोले कि मेरी औलाद है मरा छोड़कर भाग गया, दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। तो जब हमारा को ख्याल आया कि हम सोशल मीडिया पे वर्क करते कि हम हमारे खामर मिलत के लिए काम करेंगे, जो मेरे पहले के वीडियोस थे वो मेरी गफलत की जिंदगी थी, वो मैं कंटेंट के लिए वीडियो शूट करता था। अब जो काम चल रहा है सिर्फ और राह के लिए काम चल रहा है और खामर मिलत की खिदमत के लिए काम चल रहा है। एक और एक सवाल सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि जो लोग बता रहे कि ये के HYC है, ये HYC प्लस KYC है, तो आपका कोई सम्मान साहब से कोई ताल्लुक है? जी नहीं, जी सूरज शक्ल भी शायद मिलती भी ऐसा कोई लोग कह रहे हैं। जी नहीं, तो ऐसा कोई आपका सम्मान साहब से कोई ऐसा ताल्लुक है कुछ? जी, ऐसा जी नहीं कुछ नहीं था। वो देखिए हर कोई अपना अपना काम कर रहा है साहब, हर कोई खामर मिलत की खिदमत में लगा हुआ है, उनका काम उनका है, हमारा काम हमारा है, हमारा फाउंडेशन अलग है, उनका फाउंडेशन अलग है, खिदमत खामर मिलत की कैसी हो रही, तो हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो आप अभी आपके ऊपर जो एजुकेशन लगाया जा रहा है सोशल मीडिया में, तो आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? बस ये आवाम को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पर जो एजुकेशन लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, जो हमारे मुखालिफत पर उतर जा रहे हैं। भाई खामर मिलत की खिदमत करना क्या गुनाह है? हम किसी को बंडी दिए, किसी के अच्छे काम के लिए दिए, तो क्या गलत करे साहब? और हम जाकर वीडियो नहीं बनाए उनके पास, उन्होंने खुद हमारे पास आए और यहाँ खड़ के आप वीडियो में देख सकते हैं, अलानिया कैमरे के सामने खड़ के बोल रहे थे भाई आप बंडी दिला दो मैं कारोबार कर लेता, और उनकी वीडियो बनाने के बाद कोई उनके उनकी वीडियो का कोई स्कैनर इस्तेमाल नहीं हुआ। हम हमारी मसरूफियात से अल्लाह हमारे को जो नवाजा हम उससे थोड़ा बहुत कोशिश करके खिंचा वो कारोबार। पहले आपकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसके अंदर चावल दिए वो दिए, उन्होंने वीडियो नहीं बनाना बोल के बताए, फिर भी आप उनकी वीडियो बनाए बोल रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो वीडियो के साथ ऐसा है मसला देखिए कि हम उनकी वीडियो बनाए थे, कुछ उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बोले भाई हटा दीजिए, हम उनसे माफी चाहते हटा। एक और एक वीडियो कोई चिचा की थी, कोई रक्षा वाले चिचा थे, वो वीडियो भी कोई वायरल हुई थी जिसके अंदर 500 रुपीज उनको दिए थे जी। फिर उसके बाद वो भी आपके खिलाफ में आके कुछ फरगनमा PS में बयान भी दिए थे और केस भी दर्ज कराए थे। बिल्कुल वहाँ पे तो आप वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने आपके पास नहीं आते, उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल मैं भी ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये एलिगेशन लगाया कि हम 500 रुपये देकर वीडियो बनाए, ये बेबुनियाद है। आप वीडियो में अलाना देख सकते, मैं वीडियो में 500 रुपये या 500 रुपये देकर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं दो वक्त फलाफमा से गुजरा था, चिचा बैठे हुए थे, मुझे लगा ऐसा कि भाई ये वाकई बुजुर्ग परेशान होगा, ये तकलीफ में होगा, बल्कि मैं जाके उनके सामने पूछा कि चिचा आप परेशान हैं, क्या मसरूफियात है आपके, आप क्यों ऐसा बैठे हुए? तो उन्होंने बोले बेटा सुबह से कारोबार है ना 50 रुपये कमाना। तो मैंने उनको ये बोला कि चिचा 50 रुपये कमाना, मेरे कोई औकात नहीं है, अल्लाह की तरफ से 500 रुपये बोल के मैं उनको दिया। मैसेज दे रहे हैं कि इसके अंदर कि ऐसे जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं जो दिन भर नहीं कमा सकते, हम वहाँ से गए तो हमें ये चाहिए कि हम उनसे पूछे क्या कमाए क्या नहीं, बोल के हम उन्हें डोनेट करें, मैसेज दिया खाली बस। लेकिन उसको इश्यू बना दिए, बना रहे ये कि 500 रुपये दिए, 1,00,000 रुपये मंगा लिए। अरे मेरे भाई उसके अंदर स्कैनर नहीं है, भिजाए कौन, प्रूफ होना ना, वो ऐसे कहा है भिजाए, वो वीडियो में भी स्कैनर नहीं था। अभी आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो क्या आपके इनसे कुछ पुराने ताल्लुकात है या आपसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे इश्यूज है जो एलिगेशन लगा के जो है इससे आपको जो है उन्होंने आपका जो है इमेज डैमेज करना चाह रहे हैं? कोई हमारी कोई इनसे कोई जातियत नहीं है, हम किसी को पहचानते नहीं, हमारा मोटिवेट और हमारा काम हमारा मिशन ये है कि हम खामर मिलत की खिदमत करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान, हम सबको लेकर चलते हैं, आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। ये बेबुनियाद जो हमको बदनाम कर रहे हैं, वो क्यों बदनाम कर रहे हैं, वो किस लिए बदनाम कर रहे हैं, हमको भी वो चीज़ का एक आखिरी सवाल है सर। अभी ये जो जितने मरहले अभी चल रहे हैं जिसके बारे में आप अभी प्रेस मीट कर रहे हैं, इतने आपके ऊपर एजुकेशन लग रहे हैं, जैसा कि आपकी इज्जत भी डैमेज हो रही है, इसके अंदर अपना वजूद भी खो रहे हैं, तो आप इसके बाद में भी आप खबर मिलत की खिदमत करेंगे या रुक देंगे अभी यहाँ पर? नहीं नहीं बराबर करेंगे इंशाल्लाह, खिदमत आज भी जारी है, कल भी जारी थी और इंशाल्लाह 7 सितंबर तक जारी है। अभी ये और एक जो है, ये आप लोग का जो वीडियोस का जो है ये बनाना क्या जरूरी है या बगैर बनाए भी आप लोग जो किसी की मदद करते हैं? नहीं नहीं देखिए कैसा रहता, फाउंडेशन के रूल्स रहते, फाउंडेशन के रूल्स रहते, मैं आपको ये बात का भी पॉइंट ऑफ व्यू कर देता हूँ, फाउंडेशन के रूल्स रहते। जब हम कुछ कोर्ट में जाते या हमारे कुछ पूछते लोग कि भाई आप क्या चीज़ काम कर रहे हैं, आप क्या वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या कैसा बताएंगे साहब? हमारा ये मकसद था, हम वीडियो के जरिए से या फोटो के जरिए से हम उनको बताते कि भाई हम फला दिन फला जाना की मदद करें, ये चीज़ देते करें, चाहे कोई कारोबार लगा कर दिए या बंडी लेकर दिए या इनके घर में राशन दिए या इनके घर का किराया दिए,
नहीं नहीं आप तो इनका जो डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं ना भाई, जैसे आधार कार्ड है या कुछ भी एनी डॉक्यूमेंटेशन। और एक चीज़, आपके पास खुद यहाँ पर कैमरे है, जब आप किसी के ने जा रहे हैं, जब भी आप कने कांटेक्ट करते हैं तो एक कॉल ऑफ लिस्ट आती फ़ोन पे, जिसका नंबर आता। जिस तरीके से आप प्रूफ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि आपके पास एक फ़ोन आता, वो आपका नए कॉल लिस्ट से निकल सकता। सेकेंडरी आपके नए कैमरे रहते, वो आपसे जो रुजू हुए। ठीक है सर, वीडियो बनाने का मतलब ये रहता मेरे भाई, वीडियो बनाने का मतलब ये रहता, डोनेशन जो आता हमारा हजारों जनों से आता, सौ जनों से आता, अब उनको एज ए प्रूफ कि ये डोनेशन कहाँ डोनेट करें, तो हम लोग वीडियो के जरिए उन्हें ये बताते कि हाँ हम यहाँ करें, यहाँ इस्तेमाल करें। ये आपका पैसा एक रुपया भी किसी के गलत जगह में इस्तेमाल नहीं हुआ, आप जिसको इस्तेमाल में दिए थे वो उस चीज तक पहुंच गया। बोलिए हम उनको वीडियो के जरिए से ये बात पहुँचाने की कोशिश करते। बहरहाल आइंदा आपका जो है काम जारी रहेगा, खिदमत करते रहेंगे, आपकी खिदमत फाउंडेशन से आप कंटिन्यूशन रहेंगे। केवाईसी फाउंडेशन, वही खिदमत केवाईसी फाउंडेशन, खिदमत यूथ के लिए फाउंडेशन है हमारा। और इंशाल्लाह आज भी काम जारी है, कल भी काम जारी था और आने वाले टाइम पे। तो हमारे इमरान साहब एक दफा आप अपना टेलीफोन दोहराइए ताकि कोई जरूरतमंद आपको ये हमारी जो वीडियो देखते हैं तो आपसे कोई मदद ले ले। बिल्कुल, आप बता सकते हैं क्या नंबर? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है कि मेरी दो ही आईडी है, तीसरी बात आईडी ऐसी है जो हमारे नाम के डालकर चला रहे फेक अकाउंट। नहीं, आप अपना टेलीफोन नंबर बताइए। बिल्कुल, मेरी आईडी पे भी मेरा नंबर है, मेरा नंबर है 7981295251। और एक बार मैं दोहरा देता हूँ आप लोगों को ताकि आसानी हो, 7981295251 यही मेरा नंबर है, इस पर ही मैं बात करता हूँ। कोई और दूसरे नंबर पर अगर आप बात करेंगे वो फेक रहेगा। यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, ठीक है।